अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। दोस्तों वेलकम बैक टू डेली शायर व्लॉग, आपका स्वागत है फिर से डेली शायर व्लॉग में। रात का 1:30 बज रहा है अभी और हम निकल रहे हैं गांव के लिए। अभी हमको पहले जाना है होटल, वहां से अब्दुल्ला के लिए लेना है सैंडविच, उसके बाद हमको जाना है इस्तराहा, क्योंकि वो ही फैमिली को इस्तराहा से उठाकर हमको जाना पड़ेगा हरिमला। अब इस्तराहा कहाँ है वो भी आपको बताऊँगा, पूरा वीडियो देखना, कंप्लीट देखना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लेना, जल्दी कर दो यार, 80,000 हो गए, थैंक यू वेरी मच। चलो चलते हैं। हेलो अब्दुल्ला भाई, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अला अल्लाह, यल्ला वेन वेन रो हरमला 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 ईवा हरमला ईवा। यहां से अब्दुल्ला का फूड लिया जा रहा है हरफी। रात के टाइम पे भी गला सूख रहा है रियाज में। पहले लोग बोलते थे कि भाई सऊदी अरब में पानी से महंगा नहीं, पेट्रोल से महंगा पानी होता था, लेकिन 2021 में पानी से महंगा पेट्रोल हो गया है अभी, क्योंकि 91 जो सबसे चीप पेट्रोल है वो है 2 रियाल 1 हलाला। डीजल अब बोल सकते हैं, पानी से सस्ता डीजल मिलता है अब ये बोल सकते, क्योंकि डीजल का प्राइस 50 हलाला ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। तो अभी रात के बज रहे 4, रात के यानी कि फजर के 4 बज रहे, तो अभी गांव को पहुंचे। पहुंचने के बाद यहां पर आके सुकून से बैठे, थोड़ा पीछे देखो एक बार, ये है गेस्ट हाउस यहां का। मैं देखो कितना अंधेरा अंधेरा है, पूरा अकेला बैठा हुआ हूं इधर, क्योंकि वो साइड में जो है वो वुमेंस का है कंपाउंड, उधर यानी लेडीज़ का है गेस्ट हाउस, ये है जेंट्स के लिए। इसके अंदर जाएंगे तो टीवी मिलेगा, इसके अंदर जाएंगे तो टीवी मिलेगा। तो अभी आके बैठा हूँ, देखो चाबी इधर है और गाड़ी वहाँ खड़ी किया और ये पूरा खाली खाली है। सुबह में और उठ के जो है मेरे को जाना पड़ेगा रियाद, क्योंकि सामान लाना है, कुछ सामान और छूट गया है रियाद में, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर समझो अभी। खैर देखते हैं। तो अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं, इधर ही है, गाड़ी का वेट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि उसमें बड़ा मशीन है आइसक्रीम का, उसको उतारना है इसीलिए, और रियाज को जाना पड़ेगा। ये हमारे राजू भाई देखो सुबह सुबह काम पे लग गए, झाड़ू मार रहे। ये पूरा पूरा बाप पहले आप लोग देख चुके हैं, फिर भी अभी बताएंगे और क्या क्या है, कैसा कैसा है। फिलहाल अभी रियाज को जाना है, लाइट वाइट सारे बंद कर दिए, अभी सूरज नहीं निकला, झाड़ू का बहुत आवाज़ आएगा। सुबह सुबह अभी सूरज निकल रहा है, अभी टाइम हो गया है 5:32 और मैं पहले आप लोगों को बताया था यहाँ पर खजूर, पहले जब इनको फूल बांध रहे थे अभी खजूर निकलना चालू हो गया। संतोष भाई कितना टाइम लगेगा इसको आने में? अभी अक्टूबर में कटेगा। अक्टूबर में? अच्छा, तो ये अभी तो इतना बच्चा हो गया, अक्टूबर में ही आ जाएगा सही से, है ना? हाँ तो भाई दोस्तों अभी रियाद जाने का टाइम आ गया है। कफील बोलता है हमारा, मैं जाएगा तू सो जाएगा, मुमकिन गाड़ी चलाते चलाते,
मेरे को जाने दे, पहले बोला, फिर 5 मिनट के बाद आके बोलता है तू ही जाके आ, लेकिन गाड़ी 2-3 घंटे सोने के बाद जा। तो मैं बोला मैं अब सोएगा ना तो 2-3 बजे उठेगा, फिर मेरे को नहीं बोलना। बोलता है नहीं, अभी जा। तो मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम, जाएगा आएगा अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं उसके बाद चलते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं रियाद को, आइसक्रीम लेकर के आना है, आइसक्रीम का जो मिल्क आता है दूध वो लेकर के आना है, और आइसक्रीम का जो बिस्किट आता है आइसक्रीम का वो बिस्किट भी लेके आना है। चले चलो। लो भाई निकल पड़े मंजिल के तरफ, लेकिन हमारी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है, हमारी मंजिल पता नहीं कहाँ कहाँ रुकेगी, कहाँ कहाँ से कहाँ जाएगी नहीं पता, लेकिन अल्लाह से दुआ है। अल्लाह 17 घंटा हो गया अभी तक मेरा आँख नहीं लगा, यानी कि नींद नहीं हुआ है, बस सही से जाऊँ रियाद को और वापस आ जाऊँ जल्दी से, और भूख भी इतना लग रहा है ना भाई। अब यहाँ तो मैं नहीं खरीदूंगा कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे सारा पतला सा मिलेगा, समोली वगैरह सही नहीं मिलेगा सैंडविच, इसीलिए खाएंगे अब रियाद में जाकर ही, या बीच में कहीं अगर होटल दिखता है अच्छा तो ले लेते हैं इंशाल्लाह। 1 घंटे में जो है रियाद को पहुंच जाएंगे, 120 की स्पीड मारते हुए चलेंगे इंशाल्लाह बिज़्निल्लाह। यही है भाई हुरिमला, हुरिमला बार बार आना होता है, यहीं से जो है एज ऑफ द वर्ल्ड जो है करीब है, सेलबुक जाना, सेलबुक से जो है एज ऑफ द वर्ल्ड जा सकते हैं यहाँ से। तो जो है आप इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा भाई लोग, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए जल्दी जल्दी। आराम आराम से गाड़ी चलाते हुए 7:30 बजे रियाद को पहुंच गया हूं मैं, ये आया हूं रियाद को। अब यहां पे हमको एक दुकान ढूंढना पड़ेगा, वो कौन सी दुकान है, किधर है चालू। अरे भाई अभी तो दुकान ही नहीं खुला है ना भाई, दुकान तो बंद है यार, ये खोलेगा कब मेरे को नहीं पता, इसकी टाइमिंग क्या होगी, ये तो बंद है। ओ भैया रिंग रोड, क्योंकि आगे से एग्जिट लेना है 16 नंबर। कैमरा यहाँ पर भी कैमरा, ये देखो ये ट्राले को कैसे लेकर के जा रहे हैं। जा भाई जा, तू जा पहले जा, ट्राला लगता है खराब हो गया इसीलिए जो है ऐसा ले जा रहा है, इसको टोचन लगा के। ढूंढते ढूंढते 8:30 बज गए, ढूंढते ढूंढते थोड़ा नींद में है अभी। देखो ये आइसक्रीम का जो बिस्कुट आता है उसका बॉक्स है, फिर वो कोने में जो रखा हुआ है वो है आइसक्रीम का मिल्क। तो अब ये लेकर के मेरे को फिर से जाना है हुरिमला, हुरिमला में हमारे कुछ दोस्त इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात होगी, इस वीडियो में नहीं तो दूसरी वीडियो में होगी, जरूर होगी इंशाल्लाह। अभी चलते हैं हारा और जल्दी जल्दी नाश्ता लेते हैं और चले जाते हैं भाई, अभी तक 2 बार फोन आ गया। मेरे को लेना था नाश्ता, तो रिदा होटल के बैक साइड वाला जो डोर है, पीछे वाला डोर, यहाँ से लिया हूँ मैं अभी। क्यों बोले तो अभी टाइम नहीं है अपने पास ज़्यादा, भागना पड़ेगा अभी गांव को, बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बहुत फ़ोन आ रहे हैं, कहाँ हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो चलते हैं जल्दी ही, लोकेशन चालू करके जाना पड़ेगा, देखते हैं किधर से आसान रास्ता है अभी फ़िलहाल। अभी मौजूद हूँ मक्का अल मुकर्रमा रोड, यानी कि ये रियाद की रोड है, ये फुरेस रोड है, फुरेस रोड। In 200 meters, take the ramp on the left to Makkah al Mukarramah Road, route 522. Okay, okay. अभी हम लेफ्ट जाएंगे तो, यानी कि अभी पीछे जाएंगे तो वो जाएगी दरी फुरेस, अभी इधर सीधा जाएंगे तो इसको मक्का अल मुकर्रमा रोड बोलते हैं। Take the ramp on the left to Makkah al Mukarramah Road, then merge onto Makkah al Mukarramah Road. के बाद हमको जाना पड़ेगा किंग खालिद रोड, उसके बाद से सीधा हुरिमला वाला रोड आएगा इंशाल्लाह। तो भैया हमको खाना खाना तो जरूरी है, पहले थोड़ा सा हाथ धो लें, यहीं गाड़ी रुका के गाड़ी में ही खा लेंगे अभी, क्योंकि हम लेके आए हैं पूरी।
तो भैया हम धो लिए हाथ और इसके अंदर देखते हैं क्या है चटनी। इसके अंदर तो है चटनी। और इसके अंदर है कुछ सालन मसाले का जो पूरी के लिए होता है। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ रखेंगे और जो है जल्दी जल्दी खाएंगे। इसको बाहर निकालना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरा गाड़ी में गिरेगा। बिस्मिल्लाह। चलिए भाई हम यहाँ जल्दी जल्दी खाते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे हरिमला में जाके इंशाल्लाह। चलिए बाय। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग रियाद, हरिमला से गुड इवनिंग। अभी मजरा में हूँ, देख सकते हैं आप, मगरिब का टाइम हो गया है। फिर मैं सोया था पता नहीं कितने बजे, मेरे को नींद लगा है दिन में आने के बाद रियाद से। सोया तो मैं उठा चार बजे नींद उशार हुआ। उसके बाद जो है थोड़ा सा काम लग गया, काम करने के बाद मैं आया हूँ यही हमारे दोस्त के रूम पे। ये देख सकते हैं आप, पंजाबी है ये, उसका ट्राला है पीछे, ये चलाता है वो। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे इंशाल्लाह, अगली वीडियो यहीं से चालू होगी। क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ शावर लेने के वास्ते, क्योंकि फुल गर्मी, इतना गर्मी है ना पूछो मत कितना गर्मी है। तो अभी शावर लेते हैं फटाफट, जो है इस वीडियो को एंड करने के बाद शावर लेते, फिर नया वीडियो शुरू करते। देखना पूरा वीडियो एपिसोड हरिमला, ठीक है, हरिमला का एपिसोड। अभी एक वाला एपिसोड चालू, देखते रहिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।